हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो टुडे वी विल स्टार्ट विद द प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। व्हाई वी विल रीड द प्रॉपर्टीज ऑफ एयर? बिकॉज बेटा, वी कैन नॉट सी द एयर, वी कैन नॉट टेस्ट द एयर, वी कैन नॉट स्मेल इट, ओनली वी कैन फील द एयर। सो टू टेस्ट इट्स प्रेजेंस अराउंड अस, टुडे वी विल रीड सम प्रॉपर्टीज ऑफ द एयर। So first property is air occupies space. How we can say that air occupies space? Okay, we can air, you all know that air is a mixture of different gases that we read in the previous video, that there are so many gases that are present in the air: oxygen, nitrogen, carbon dioxide, water vapors, dust particles, hai na? There are so many gases, but it is not visible to us. ये हमें visible नहीं है. Then how we can say that air occupies space? कैसे कह सकते हैं हम? Let's take a example. As you can see here, when you inflate a balloon, कहते जब आप एक balloon में हवा भरते हो, inflate मतलब उसमें हवा भरना, ठीक है? When you inflate a balloon, air enters the balloon. एयर बलून के अंदर जाती है ना, एंड इट बिकम्स बिग इन साइज़। तो आपका जो बलून है वो क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है साइज़ में, है ना। व्हेन यू डीफ्लेट द सेम बलून, कहते जब आप उसी बलून से हवा बाहर निकाल देते हो, हवा निकाल देते हो, ठीक है। डीफ्लेट का मतलब है हवा निकालना। जब आप सेम बलून से हवा निकाल देते हो, देन एयर गोज़ आउट ऑफ इट एंड द बलून बिकम्स स्मॉल इन साइज। ऐसा ही होता है ना, जब आप उसको भरते हो हवा के साथ, इन्फ्लेट करते हो, देन इट बिकम्स बिगर इन साइज, एंड व्हेन यू डीफ्लेट द बलून द एयर गोज आउट इट, है ना, आउट ऑफ इट, एंड इट बिकम्स स्मॉलर इन साइज। सो फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी कैन से दैट एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, कि जो एयर है वो स्पेस क्या करती है? ऑक्यूपाई करती है। एयर जो स्पेस को कवर करती है ना। सिमिलरली वन मोर एग्जाम्पल इज देयर बेटा, व्हेन वी ब्रीद इन एंड आउट, यू कैन ब्रीद इन राइट नाउ, यू कैन ब्रीद इन। जब आप अंदर लेके जाते हो एयर को, तो आपको क्या होता है? योर चेस्ट एक्सपैंड्स, आपकी जो चेस्ट है वो क्या हो जाती है? एक्सपैंड हो जाती है। इट मीन्स एयर जो है, योर लंग्स फिल अप विद एयर, है ना, आपके जो लंग्स है वो एयर के साथ भर गए हैं। दैट्स वाई योर चेस्ट एक्सपैंड ना, इसीलिए आपकी जो चेस्ट है वो एक्सपैंड हो जाती है। एंड व्हेन यू ब्रीद आउट, व्हेन यू ब्रीद आउट, है ना, देन क्या होता है? देन योर लंग्स बिकम्स एम्प्टी एंड द एयर जो है वो क्या हो जाती है? इट कम्स आउट विद थ्रू द नोज। ऐसा ही होता है ना। सो इट मीन्स द एयर टेक्स द स्पेस इन योर लंग्स, सो दैट्स वाई योर चेस्ट एक्सपैंड। सो वी कैन से दैट एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, जो एयर है वो क्या करती है? स्पेस ऑक्यूपाई करती है। ओके, नाउ वन मोर एक्सपेरिमेंट इज देयर, एज यू कैन सी इन डू एंड डॉक्यूमेंट टू हेयर। फॉर दिस एक्सपेरिमेंट वी द मटीरियल इज रिक्वायर्ड वन स्मॉल बॉटल, वन बकेट कंटेनिंग वाटर, है ना, as you can see in the picture, one small bottle and one bucket containing water. Hold and press an empty bottle upside down in the bucket full of water. See carefully what happens. कहते एक खाली बॉटल ले लो आप, उसको उल्टा करके भरी हुई बकेट के अंदर डालो. Then what will happen? What will happen बेटा, क्या होएगा? जो आपकी बॉटल है, बॉटल के अंदर जो वाटर है वो नहीं जाएगा, ठीक है। जब आप उसको खाली बॉटल को उल्टा करके भरी हुई बकेट के अंदर डालोगे, देन द वाटर विल नॉट गो इनसाइड द बॉटल। क्यों नहीं जाएगा? बिकॉज जो उसके अंदर स्पेस थी, दैट इज़ कवर्ड बाय द एयर, उसके अंदर एयर है बॉटल के अंदर। सो जो एयर है उसको वाटर को अलाउ नहीं कर रही, ठीक है। सो दैट्स वाई द वाटर विल नॉट मूव इनसाइड द बॉटल, ओके, बिकॉज ऑफ द एयर प्रेजेंट इनसाइड द बॉटल। नाउ कहते नाउ स्लाइटली टिल्ट द बॉटल, थोड़ी सी उसको टेढ़ी कर लो बॉटल को, है ना। नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशन, व्हेन वी टिल्ट द बॉटल, जब हमने उसको थोड़ी सी टेढ़ी कर ली, नाउ द एयर एस्केप्स, जो एयर है वो बाहर निकल गई, ठीक है। नाउ द वाटर विल मूव इनसाइड द बॉटल। सो वी कैन से दैट
एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, जो एयर है वो क्या करती है, स्पेस ऑक्यूपाई करती है। एज़ यू कैन सी हेयर द बॉटल वॉज फिल्ड विद एयर, कहते जब हमने उल्टा करके बॉटल को पानी के अंदर डाला तो जो बॉटल थी वो किसके साथ भरी हुई थी, एयर के साथ। When we place the bottle upside down in the bucket, the air inside the bottle does not allow the water to enter. तो वो एयर ने वाटर को अलाउ ही नहीं किया। When we tilt the bottle, the air escapes, so water enters the bottle. Okay? So from this experiment we can say that air occupies space. Now next is air has weight. Air has weight. Now how we can say that air has weight? कभी आपको एयर का वेट लगा है? एयर इज प्रेजेंट ऑल अराउंड अस, हमारे आसपास एयर प्रेजेंट है ना, है ना। बट कभी आपको इसका वेट लगा है? कभी आपको लगा है कि हमारे हेड के ऊपर कुछ बहुत हैवी चीज़ पड़ी है? एयर इज प्रेजेंट ऑल अराउंड अस ना, नो। बट हाउ वी कैन से दैट एयर हैज़ वेट? सो फॉर दिस अगेन वी विल do one experiment or we will do one activity to prove it that air has weight. The air surrounding us seems to be weightless. कहते जो air हमारे आसपास present होती है हमें weightless लगती है, हमें इसका weight लगता ही नहीं है, है ना। But it is not true. This is not true. ये true नहीं है, air का भी weight होता है, air also has weight. Now we will do one activity. So to do that activity, materials required: two balloons, a long stick and the thread. Okay, thread kyun chahiye? To hold the stick from the center. Okay, and two balloons. These balloons we will tie to the two ends of this stick. Okay, and out of these two balloons we will inflate one balloon. Hum ek balloon ko hawa ke sath bhar lenge and the other one will be deflated. Jo dusra hoga uske andar koi hawa nahi hogi, theek hai, usko hum as such tie karenge. Now when we hold this stick from the center with the help of thread, jab hum isko thread ki help se kya karenge, hold karenge, theek hai. Now what will happen, kya hoga, what will happen? Yes beta, now what will happen? At the one end of the stick there is inflated balloon and to the other end there is deflated balloon, hai na. Now when we will hold the stick from the center with the help of thread, then what will happen, kya hoega? The end with the inflated balloon, jis taraf balloon hawa se bhara hua hai, that end will be lower, wo niche ki taraf jhuk jayega as compared to the deflated balloon. So we can say that air also has weight. ठीक है, जो आपका वो वेइंग मशीन होती है वो भी तो ऐसी होती है ना, जिस तरफ भार ज़्यादा होता है, जिस तरफ वेट ज़्यादा होता है तो वो उस तरफ ज़्यादा झुकती है ना, उस तरफ लोअर होती है वो साइड. तो सेम थिंग इज़ विद दिस, द साइड विद इन्फ्लेटेड बलून विल बी लोअर एज़ कम्पेयर टू द डिफ्लेटेड बलून. तो जिस साइड पे इन्फ्लेटेड बलून है वो साइड क्या हो जाएगी बेटा, थोड़ी सी झुक जाएगी, नीचे की तरफ हो जाएगी. सो वी कैन से दैट एयर हैज़ weight. Okay, yes, we can read the conclusion also. The end with the inflated balloon was lower, kehte jis taraf inflated balloon tha wo end kya thi, niche ki taraf jhuki hui thi. So when we inflate a balloon we fill air inside it, this balloon becomes heavier than the deflated balloon. This shows that air has weight. Okay, now next is air takes the shape of the object it fills. Next property is air takes the shape of the object it fills. कहते जिस भी object में हम air को fill करते हैं, चाहे वो जिस मर्जी shape की object है, ठीक है, तो air जो है उसी object की क्या ले लेती है, shape ले लेती है. So air takes the shape of the object it fills, कि जिस ऑब्जेक्ट में भी हम एयर को फिल कर लेते करते हैं, ठीक है, तो एयर उसी ऑब्जेक्ट की क्या करती है बेटा, इट टेक्स द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट इट फिल्स, कि जिस ऑब्जेक्ट में भी हम इसको फिल करते हैं उसी की शेप ले लेती है जी. ओके, नाउ अगेन वी विल डू वन एक्टिविटी. फॉर दिस मटीरियल रिक्वायर्ड ओनली अ बलून. Material required only a balloon. So fill the balloon with some air.
कहते हैं उसको फिल कर लो एयर के साथ. नाउ टाई अ थ्रेड अराउंड इट्स माउथ, इसके माउथ को थ्रेड के साथ टाई कर दो सो दैट द बलून डज नॉट डिफ्लेट, कि उसमें से हवा बाहर ना जाए. ओके, नाउ प्रेस वन एंड ऑफ द बलून, एक साइड से उसको क्या करो, प्रेस करो बलून को. वी कैन प्रेस द बलून ना, यस. सो वी कैन प्रेस द बलून फ्रॉम वन एंड. ओके, एज यू कैन सी इन द पिक्चर द बॉय इज डूइंग. ऑब्जर्व इट केयरफुली एंड राइट वट हैपन्स टू द शेप ऑफ द बलून. ओके, सो यू कैन से दैट इट चेंजेज इट्स शेप वेन वी विल प्रेस द बलून. जब हम इसको प्रेस करेंगे देन ऑब्वियसली इट विल चेंज इट्स शेप ना. सो वी कैन से दैट एयर टेक्स द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट इट फील्स. और यू कैन टेक, यू कैन डू वन अनदर एक्टिविटी ऑल्सो. यू कैन टेक वन बलून ऑफ राउंड शेप, है ना, एंड वन बलून ऑफ हर्ट शेप. आप एक हर्ट शेप का बलून ले सकते हो और एक राउंड शेप का ले सकते हो. जब आप दोनों में एयर फिल करोगे देन यू कैन सी दैट कि एक जो इन्फ्लेटेड बलून राउंड वाला होगा तो वो राउंड शेप ले लेगा और दूसरा हर्ट शेप. सो इट मीन्स एयर हैज़ टेकन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट इट फिल्स. हमने राउंड में फिल किया था तो एयर ने वैसी शेप ले ली. हर्ट शेप में हमने एयर फिल करी थी तो उसने एयर ने हर्ट शेप वाली शेप ले ली, है ना. सो इट मीन्स हम जिस भी ऑब्जेक्ट में इसको फिल करेंगे इट विल टेक द शेप ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट. ओके नाउ, ओके, सो दिस वॉज टूडे वी विल डू अप टू दिस एक्टिविटी ओनली दैट एयर टेक्स द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट इट फिल्स. ओके, एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट विद द एयर एक्सर्ट्स प्रेशर. सो टिल दैट you will read these three properties of air, that air has weight, air occupies space, and air takes the shape of the object it fills. Okay, everyone, so till then, bye bye everyone.